और इस समय मेरे साथ है टीरेक्स एज यूजुअल। तो भाई हम जा रहे हैं मायापुरी। हाँ जी मायापुरी जा रहे हैं, और वहाँ का नाम सुन के आपको सिर्फ दो ही चीज़ों की याद आ रही होगी, एक तो इंडस्ट्रियल एरिया और एक मायापुरी के फेमस छोले कुलचे, जो आई थिंक मेरी 80% ऑडियंस ने तो देख ही रखा होगा। बहुत कम लोग होंगे जिसने मायापुरी छोले कुलचे के बारे में नहीं सुना होगा। तो हाँ जी मैं वहाँ की वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मेन मोटिव है टेस्ट करना। मतलब कम से कम 3 से 4 साल से इतनी वीडियो देख ली है मायापुरी के छोले कुलचे की, पूरी दिल्ली में वैसा किसी कहीं पे भी नहीं मिलता, बस मायापुरी में ही मिलता है। तो वहाँ की वीडियो बनाने जा रहा हूँ, खाएंगे और पूरी तो आपको पूरी जानकारी देंगे कि मेट्रो स्टेशन से आप वहाँ पे कैसे जा सकते हो, क्या है। और भाई मौसम इतना बढ़िया हो रहा है ना, मतलब आवाज़ सुन लो आप, इतना बढ़िया मौसम हो रहा है ना यहाँ से देख लो। ये हम है संजय लेक मेट्रो स्टेशन पे, मतलब पिंक लाइन है ना, पिंक लाइन डायरेक्ट जाती है मायापुरी के लिए। ये टीरेक्स बैठा हुआ है और वहाँ लोग हैं कुछ, पूरा खाली पड़ा है और मौसम तो इतना बढ़िया हो रहा है ना, बारिश आ रही है बहुत तेज, पर हम रिस्क लेकर निकल चुके हैं, मज़े करेंगे जाके। वहाँ से प्लान बनेगा तो कहीं और भी जाएंगे, पर भाई बहुत ठंडा। सुबह 8 बजे तक इतनी गर्मी थी और अब इतना बढ़िया मौसम हो चुका है, मज़ा आ रहा है घूमने वाला मौसम। बस बारिश रुक जाए या बारिश होती ही रहे, हमारा क्या जा रहा है, छाता लेके आ रखे हैं हम तो। तो भाई बहुत लंबा सफ़र तय करके हम लोग मायापुरी पहुंच चुके हैं, ये देख लो पीछे इंडस्ट्रियल एरिया, और इतनी मुश्किल से पहुंचे ना, एक तो बहुत सारे स्टेशन थे, और उसके बाद धीरज बताएगा हमारा क्या हुआ। वहाँ मेट्रो कार्ड था मेरी जेब में, मैंने फ़ोन निकाला होगा तो मेट्रो कार्ड गिर गया, अब वो मेट्रो कार्ड खो गया, हम यहाँ आते हैं एग्जिट लेते हैं, वो मेट्रो कार्ड में मेट्रो कार्ड ही नहीं जेब चेक कर ली, और इसका जो मेट्रो कार्ड था उसमें हमने चेक करा, उसमें रिचार्ज तो करवा लिया था इसने, लेकिन वो अमेजोन पे में अटक गए बीच में। तो दोनों ही ऐसे हो गए कि एग्जिट कैसे ले, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा कार्ड खो गया तो तुम ही पेनल्टी भी भरोगे 130 रुपये। तो हमने कैसे कैसे नया कार्ड बनवा के पेनल्टी दे के अब एग्जिट लिया है। तो भाई अब बात कर लेते हैं रास्ते की। तो रास्ता आप आओगे मायापुरी मेट्रो स्टेशन पे, मायापुरी मेट्रो स्टेशन पे आके नीचे उतरना और वहाँ से पे किसी से भी बोलना लावण्या ग्रैंड जाना है या फिर फेमस छोले कुलचे वाले की दुकान पे जाना है, तो वो आपको छोड़ देंगे यहाँ इस गेट पे, ये छोड़ देंगे इस गली के बाहर छोड़ देंगे, 10 रुपये सवारी लेंगे और यहीं आगे आ जाओगे, आगे जाके राइट है, वहीं पर आपको मिल जाएगा फेमस छोले कुलचे मायापुरी के। तो अभी हम भी जा रहे हैं और टेस्ट लेते हैं, भूख इतनी तेज लग रही है। हम निकले थे 1 बजे घर से और अब कम से कम 2 बज गए, 2:30 बज गए, तो अब हमें इतनी देर हो गई है, तो चलते हैं अब खाते हैं और जायका बताते हैं आपको कैसा लगा। तो भाई ये है शॉप देख लो मायापुरी के फेमस छोले कुलचे, और भीड़ देख लो कितनी हो रखी है यहाँ पर। अब लेते हैं हम भी प्लेट लगवाते हैं। और भाई वहाँ यहाँ पे मतलब आपने वीडियोस तो देखी रखी होगी, इतनी सारी वीडियोस बन रखी है ना, पर हमारा मेन मोटिव था कि अपना रिव्यू दें और खुद टेस्ट करें कि कैसा लगता है। तो अब लगवाते हैं अपनी प्लेट। तो भाई ये तैयार हो रहे हैं अपने छोले, परफेक्ट टाइम पे आए हैं, अभी बनाने स्टार्ट किए सेकंड। तो भाई प्याज की क्वांटिटी चेक कर लो एक बार, ये देख लो प्याज और मक्खन के बाद चल चुका है टमाटर, और क्वांटिटी ना चेक कर लो भाई, एक बार में कम से कम 20 से 30 ग्राहक निपटा देते हैं भैया, इतने छोले बनाते हैं। ये छोले का ना साइज आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, पर पूरा इतना बड़ा साइज है, पूरे छोले में कवर हो जाता है। और
देख लो भाई उधर जा रहा है छोले में इमली का पानी, अब पूरा मिक्स होगा। और भाई बटर की स्मेल यहाँ तक आ रही है, इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है ना ग्रेवी की, बहुत ज़्यादा। और उधर हो रहा है छोले मिक्स, और छोले का ना पूरा का पूरा पतीला इसमें डाल देंगे। अब देखो आने वाला है, ये गया भाई साहब, पूरा पतीला डल गया, पूरा फुल लोडेड हो गया है तवा, अभी पूरा मिक्स हो जाएगा ग्रेवी के साथ। लगा दिया पूरे तवे पे, ये ग्रेवी मिक्स होके जा रहा है वापस भगोनी में, और उसके बाद बनेंगे हमारे इसी तवे पे कुलचे, फुल ग्रेवी कुलचे। ये देख रहे हो भाई भीड़ इतनी, ये भैया के हिसाब से भाई भीड़ ही नहीं है, मतलब ये नॉर्मल है इनके लिए, इतना नॉर्मल चलता है। जब भीड़ लगती है ना तब यहाँ लोग ही इतने सारे दिखते हैं कि बस संभालना मुश्किल हो जाता है। आज बारिश के कारण भीड़ नहीं है, पर देख लो किसी नॉर्मल दुकान के लिए ना ये बहुत ज़्यादा भीड़ है, पर भैया के लिए ये नॉर्मल है। इतनी लोग तो एक ही बार में निपटा लेते हैं 30-40 लोग तो। ये देख लो पूरे छोले चले गए अपने भगोने में, अब बनेंगे इस पर ग्रेवी कुलचे। देख लो कितनी आ गई है, फिर से प्याज आ चुके हैं, अभी इतनी सारी प्याज डाली थी उसमें छोले में, अब फिर से इतनी सारी प्याज सलाद के लिए। बिल्लू कमाए उसने है, बल्लू खट्टू बल्लू ना होना है, छोटा लग रहा होगा पर बहुत बड़ा साइज है तवे का, ये वीडियो में छोटा लग रहा है। भाई ये तवे पे सजने स्टार्ट हो चुके हैं कुलचे सलाद के ऊपर, दो प्लेट हमारी लगा देना। तो भाई देख लो छोले वहाँ पे रेडी हो चुके हैं, और यहाँ पे कुलचे लग चुके हैं सलाद के ऊपर। और भाई कम से कम गिनोगे ना कम से कम पता नहीं 200 कुलचे तो होंगे ही मेरे अंदाजे से, इतने ज़्यादा छत्ता खड़ा कर दिया पूरे कुलचे का। और देख लो अब ये इस पर पूरे लपेट के सलाद में ये सर्व किए जाएंगे। अच्छा प्याज की ग्रेवी है, मैं सलाद बोल रहा था ना, तो प्याज की ग्रेवी है कुलचे के साथ दी जाती है।
देखो भाई पूरा कुलचा भिगा दिया ग्रेवी में। और ये प्लेट हम भी प्लेट लगवाते हैं और दिखाते हैं आपको जायका कैसा लगा हमें। खुशबू मक्खन की इतनी तेज आ रही है ना पूरे ग्रेवी की, बहुत बढ़िया आ रही है। ये देखो अगर आपको पैक कराना है तो पैकिंग का भी सिस्टम है, पूरा पैक होकर हम भी घर लेके जाएंगे। घर वालों की डिमांड है कि वहाँ जा रहे हैं तो पैक करा के ज़रूर लाइए, तो हम भी पूरे घर वालों के लिए पैक करा के लेके जाएंगे। भाई मतलब ये देख सकते हो ये शॉप के अंदर का है और यहाँ लाइन लग के देख रहे हो कितनी वेटिंग चल रही है। इतनी देर हम आए उससे पहले से ये लोग खड़े हुए हैं, तब से वेटिंग चल रही है, इतनी वेटिंग चल के बिकते हैं यहाँ पे। तो भाई कोई कहीं से आ रखा है, कोई कहीं से, एक अंकल जी हैं वो आ रखे हैं पंजाब से स्पेशली खाने, मतलब दिल्ली आए होंगे तो यहाँ पे ज़रूर आए मायापुरी के छोले कुलचे खाने। मतलब हम लोगों को भी ना वहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे बस ये बात बताना पड़ा कि फेमस छोले कुलचे वाले के पास जाना है, तो उन्होंने यहीं पर ला के छोड़ दिया। छत्ता लगा था कुलचे का एक के बाद एक, इतने प्लेट खाली होते चले गए कि 5 मिनट भी नहीं हुए पूरा छत्ता खाली। हमें तो डर लग रहा है इस बार ही में हमारा नंबर आ भी पाएगा या नहीं, अभी भी इतनी भीड़ लग गई है उस साइड। भाई टाइम क्या रहता है दुकान का? 12 से 4। तो भाई कम से कम 15 से 20 मिनट के बाद हमें वेट करने के बाद वहाँ लाइन में लगना पड़ा इतनी देर, और फिर मिल ही गए। अब करते हैं टेस्ट फाइनली। तो भाई ये दिया है पूरी 60 रुपये की प्लेट, 3 कुलचे और पूरी ग्रेवी, प्याज और टमाटर की ग्रेवी और छोले। भाई इतने ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे, मतलब पूरी लाइफ में इतने जगह छोले कुलचे खाए कभी ऐसे छोले कुलचे नहीं खाए। बिल्कुल कुलचे भी ना मतलब बाकी जगह तो कच्चे दे देते हैं, इन्होंने इतने अच्छे से पका के दिया है ना कुलचा ग्रेवी के अंदर, इतने बढ़िया लग रहे हैं और इतने बटरी है ना भाई, अगर आप मक्खन के शौकीन हो ना मज़ा आ जाएगा आपको ये खाने में। तो ये कैसे लगा धीरज भाई? एक नंबर, मतलब पता है हम लोगों ने ना प्लेट लगी और एक एक कुल्चे ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, मैंने 1.5 कुल्चे पूरा खा लिया, उसके बाद मैं ये टेस्टिंग वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि भाई इतनी भूख लगती थी। और जैसे एक बार चख के देखा ना कि देखूँ कैसा लगता है भाई साहब, अल्टीमेट टेस्ट है, इतना बढ़िया लग रहा है। अब पूरी फिनिश करते हैं उसके बाद चलते हैं। तो भाई अब फाइनल टेस्ट की बात कर लेते हैं। टेस्ट मतलब नेक्स्ट लेवल था, कभी ऐसे छोले कुलचे ज़िंदगी में नहीं खाए, इतने जगह छोले कुलचे खाए कभी ऐसे छोले कुलचे तो खाए नहीं। और जो कुलचा आता है ना हर जगह आप कच्चा खाते होगे, वो टूटता भी नहीं है, बहुत टाइट टाइट टूटता है सफ़ेद, इन्होंने ग्रेवी में इतना बढ़िया करके उसे गला दिया था ना, तो वो इतना टेस्टी लग रहा था कुलचे तक में ग्रेवी का टेस्ट आ रहा था। और जो प्याज थी ना भाई उसका प्याज का अल्टीमेट मज़ा आ गया था, प्याज का एक नंबर लगा भाई, मस्ट ट्राई है मतलब। तो भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।